स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 8 माँ कह एक कहानी, कविता है, लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। अगले वीडियो में हमने देखा था कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटना का उल्लेखन किया था और उनका बचपन की घटना ये हमने अगले वीडियो में देखा था और अगले वीडियो में कुछ पंक्ति देखी थी कि राहुल यशोधरा से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है कि बेटा, तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? वो क्वेश्चन करती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ही मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तुम मेरी नानी भले ना हो। राहुल कहते हैं कि तुम भले मेरी नानी न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे यानी कि सोते सोते ही सही, पर मुझे एक कहानी सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी। यशोधरा कहती थी कि एक था राजा, एक थी रानी। मेरे बेटे, यशोधरा राहुल से कहती है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वह मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, वो कहती है कि वहाँ पर मनपसंद खुशबू फैली हुई थी खूब। माँ यही तो हाँ माँ यही कहानी सुनाओ ना। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? वह क्वेश्चन करता है माँ से, प्रश्न पूछता है कि क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ मुझे यही गाते हैं, गाना गा रहे हैं। अचानक एक अंश ऊपर से गिरा, वह पक्षी के बाण से बिंध गया था, उनका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? वह प्रश्न पूछता है माँ से कि क्या उसका एक पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। यहाँ तक हमने अगले वीडियो में देखा था, अब हम देखेंगे आगे। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी चोक सीधी। वो कहता है कि तेरे पिता ने चोक कर उसे उठाया। चोकना यानी कि चकित होना, तो कि चकित होकर उस आ पहुंचता है। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही पर लगा है। जो शिकारी था उसे उस बात का अच्छा अभिमान था कि उसका निशाना, जो हंस पर लगा था बाण, वो उसका निशाना सही जगह पर लगा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, वो अपने निशाने का अभिमानी था।
यह तो कोमल पर कठोर कहानी है, यह माँ कोमल है पर कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी आहत यानी कि घायल, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तात यानी कि पिता, तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी कि रक्षक, रक्षा करना। अब उसने था खगभक्षी खगभक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला। हठ करने की ठानी हठ यानी कि जिद। वो कहता है कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी, जो घायल पक्षी था वो मांगा शिकारी ने, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। राहुल ने बोला, वह अड़ गया? अब तो वह मामला बहुत बढ़ गया। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदई निर्दयी में, सदई यानी कि दयालु, निर्दयी यानी कि दयाहीन, विवाद यानी कि बहस। अभय यानी कि अपनी बात। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। वो कहता है कि इस प्रकार सुनी सभी ने जानी, व्याकुल हुई कहानी, ये सब ने सुनी और व्याकुल हुई कहानी। इस प्रकार दया करके बचाने वाले और निर्दयी यानी कि निर्दयी पूर्वक मारने वाले, इन दोनों में बहस होने लगी। जो बचाने वाले थे और उसके बीच में, और जो मारने वाले थे उसके बीच में, दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मामूल भी की। तभी राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मामूल की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी। तब तो ये बात है वो चारों ओर फैल गई होगी। राहुल तो निर्णय कर इसका फैसला, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। निर्भय यानी कि निडर। सुन लूँ तेरी बानी यानी कि वाणी। माँ तेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी। वो कहता है कि यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। वो राहुल से कहती है कि अब तू ही बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। कि तू डर मत, निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं मैं। तभी राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ कि मैं इसमें क्या बताऊँ। मैं तो जो तुम कहानी मुझे सुना रही हो, मैं वो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरअपराध को मारे, वो कहता है
कि कोई निर अपराध को मारे, निर अपराध यानी कि निर्दोष बेगुनाह, तो क्यों अन्य न उसे उबारे, तो क्यों अन्य न उसे उबारे, उबारना यानी कि बचाव करना, रक्षा करना, रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, भक्षक यानी कि खाने वाला, न्याय दया का दानी, वो कहता है कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? वो प्रश्न करता है माँ से कि क्या दया दान, दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तब तूने सचमुच कहानी समझ ली, राहुल तूने सचमुच यह कहानी समझ ली। थैंक यू।